यमुना माता के दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। ये स्थान समुद्र से 3,233 मीटर की ऊंचाई पर है। इस मंदिर का निर्माण टिहरी के एक राजा प्रताप शाह ने 1861 में करवाया था। इस मंदिर की पूजा दर्शन दीपावली के अक्षय तृतीया तक किए जाते हैं। इसके बाद में संपूर्ण क्षेत्र बर्फ से आच्छादित हो जाता है और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ अग्नि ने तप करके दिक्पाल का पद प्राप्त किया था। टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा किया गया था। अत्यधिक संकरी पतली यमुना का जल हिम शीतल है। यमुना के इस जल की परिशुद्धता, निशुल्क शुद्धता एवं पवित्रता के कारण भक्तजनों के हृदय में यमुना के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति उमड़ पड़ती है। पौराणिक आख्यान के अनुसार असीत मुनि की पर्णकोटी इसी स्थान पर थी। देवी यमुना के मंदिर तक चढ़ाई का मार्ग वास्तविक रूप से दुर्गम और रोमांचित करने वाला है। मार्ग पर अगल बगल में स्थित गगनचुंबी मनोहारी नंग धड़ंग बर्फीली चोटियां यात्रियों को सम्मोहित कर देती हैं। इस दुर्गम चढ़ाई के आसपास घने जंगलों की हरितिमा मन को मोहने से नहीं चूकती। यह सड़क से यात्रा करने पर तीर्थ यात्रियों को ऋषिकेश से सड़क द्वारा फूलचट्टी तक 220 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ से 8 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चलकर अथवा टट्टुओं पर सवार होकर तय करनी पड़ती है। यहाँ से तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए किराए पर पालकी तथा कुली भी आसानी से उपलब्ध रहते हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मंदिर के कपाट खुलते हैं और दीपावली के पर्व पर बंद हो जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर के आसपास और वहां के क्षेत्र में गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। ये स्रोत अनेक कुंडों में गिरते हैं। इन कुंडों में सबसे सुप्रसिद्ध सूर्य कुंड है। यह कुंड अपने उच्चतम तापमान के लिए विख्यात है। भक्तगण देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए कपड़े को पोटली में चावल और आलू बांधकर इसी कुंड में गर्म जल में पकाते हैं। देवी को प्रसाद चढ़ाने के पश्चात इन्हीं पकाए हुए चावलों को प्रसाद के रूप में भक्तजन अपने घर ले जाते हैं। सूर्य कुंड के निकट ही एक शिला है जिसे दिव्य शिला कहते हैं। इस शिला को दिव्य ज्योति शिला भी कहा जाता है। भक्तगण भगवती यमुना की पूजा करने से पहले इस शिला की पूजा करते हैं। ग्रीष्म काल में दिन के समय सुहावना तथा रात्रि काल के दौरान सर्दी होती है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 20 डिग्री है। शीतकाल में सितंबर से नवंबर तक दिन के समय सुहावना तथा रात के समय काफी अधिक सर्द हो जाती है। दिसंबर से मार्च तक समस्त भाग हिमाच्छादित रहते हैं तथा तापमान शून्य से भी कम होता है। यहाँ की वेशभूषा मई से जुलाई तक हल्के ऊनी वस्त्र होते हैं, सितंबर से नवंबर तक भारी ऊनी वस्त्र पहनने हैं। तीर्थ यात्रा का समय अप्रैल से नवंबर तक होता है।